हाय बलप्रीत <coughs> मैं जस्ट अभी ही था जस्ट चाय बनाई थी आप लोग क्या कर रहे हो आई एम गुड हाउ आर यू वॉट्स गोइंग ऑन हेलो 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 करते हैं शुरू क्वेश्चंस जरा दो चार लोग आ जाएं तब तक आप थम्स अप दे दो एक फटाफट फड़। साथ में ये भी चल रहा है दो तीन मिनट वेट करते हैं अगर कोई आता है तो फिर शुरू कर देते हैं ओके okay? मैं अपने अभी रूम में ही बैठा हूँ तो कहीं बाहर जा नहीं सकते तो अंदर ही बनाते हैं वीडियो आज फिर से वॉइस क्लियर है कि नहीं एक बार बता दो मेरे को ओके थैंक यू वॉच द सिचुएशन ऑफ कोविड अभी करते हैं बात इस पर फ्यू मोमेंट्स ओके वी आर ट्राइंग टू डू आर प्रोसेस फॉर कैनेडा आई कैन टोटली अंडरस्टैंड देर आर सो मैनी पीपल हुई इट्स लिटल हार्ट दीज डेज टू यू नो कम फ्रीली टू कैनेडा और इन एनी अदर कंट्री एज वेल अभी बताता हूँ मैं एम आई टी टी के बारे में देखता हूँ मैं अभी अपने दूसरे फ़ोन में रिसर्च करके देखता हूँ अगर कुछ पता चलता है मेरे को तो या फिर मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा uh, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा uh, वरना मैं बना देता अभी तक तो करते हैं शुरुआत सप्लाई चेन के बारे में भी करेंगे बात सबसे पहले फिर कोविड की बात कर लेते हैं ये सेशन छोटा होगा पंद्रह से बीस मिनट का क्योंकि मेरे पास थोड़ा काम है घर पे तो विल ट्राई टू आंसर एज मैनी ओके तो कोविड की सिचुएशन ऐसी है कि अभी तो लोग आ नहीं रहे हैं बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे एंड uh, जिन लोगों ने अपने भी वीज़ा वगैरह अप्लाई किए हुए हैं उनमें क्या चल रहा है अभी गवर्नमेंट uh, ने कहा तो है कि प्रोसेसिंग फ़ास्ट होनी शुरू हो जाएगी बट uh, अब ये नहीं पता uh, कितनी फास्ट होगी क्योंकि यहाँ पे एक तो लोग कम हैं और uh, इनके प्रोसेस थोड़े से ढीले हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया अगर इंडिया में ये काम होता तो इंडिया में uh, प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता यहाँ पे पता नहीं कैनेडा से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा कोविड बट कोई नहीं देखते हैं एंड धीरे uh, धीरे ओपनिंग होनी शुरू हो रही थी अभी चीज़ों की uh, यहाँ पे जैसे मैं ब्रैमटन में हूँ तो ब्रैमटन यूज़िंग अभी ग्रे जोन है तो ग्रे जोन में क्या है आपको सिर्फ़ इसेंशियल्स के लिए अपने बाहर निकलना है ऐसे ही टोरटो में भी है तो आप ज़्यादा कहीं बाहर जा भी नहीं सकते तो यहाँ पे अब थर्ड वेव की तैयारी हो रही है मतलब तो, थर्ड वेव आ रही है कोविड की फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं तो उस चक्कर में जो चीज़ें खुलनी शुरू होती हैं सॉरी वही दोबारा बंद होनी शुरू हो जाती हैं तो कोविड की सिचुएशन तो ऐसी चल रही है एंड एम आई टी टी वनी पैक इज़ अ गुड कॉलेज और नॉट इसके बारे में जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अभी बनाते हैं इस पर वीडियो इसमें थोड़ी सी रिसर्च करके देखता हूँ अगर कुछ इसके बारे में मिलता है तो मैं बता दूंगा आपको uh, कई लोग आजकल वहाँ मूव हो रहे हैं न्यू ब्रंसविक में और नोवा नोवाज तो शायद आपको किसी को पहले पता ही होगा न्यू ब्रंसविक में भी अब बहुत लोग जा रहे हैं तो मे बी पी के चक्कर के लिए जा रहे होंगे या फिर यू you नो know, वहाँ पे अगर आप एक साल का एक्सपीरियंस भी ले लेते हो तो उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होना चाहिए कि एन कोड बी ए या ओ होना चाहिए उसमें तो मे बी सी और डी वाले भी उसमें पी ले सकते होंगे तो इसी इसीलिए वहाँ पर बहुत लोग मूव कर रहे हैं सैनेका फॉर आई बी यार आई का उतनी मेरे को नॉलेज नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पर सैनेका वैसे इन जनरल अच्छा कॉलेज है क्योंकि Uh, मेरा फ्रेंड मेरे फ्रेंड ने वहाँ से मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है तो ही वॉज क्वाइट सेटिसफाइड विद दैट सो उसने सेकेंड कोर्स भी वहीं ले लिया अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम सेम कोर्स और सॉरी सेम कॉलेज में सेकेंड कोर्स ले सकते हैं कि नहीं uh, इससे आगे वीजा एक्सटेंशन में या फिर पी के पॉइंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी तो ऐसा कोई इशू नहीं होता आपको बस अपने अपनी पढ़ाई पूरी सही से करनी है और बस देन यू विल बी गुड टू गो तो कॉलेज आप सेम भी ले सकते हो और कोई उसके अलावा अगर आप करना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो लॉट ऑफ मैथ्स लाइक कैलकुलशन एंड इंटीग्रेशन एंड स्टफ लाइक दैट कॉलेज लेवल पे जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हम्बर से किया तो उसमें तो नहीं था टू बी ऑनेस्ट उसमें जरा जर भी मैंने इंटीग्रेशन uh, कैलकुलस और मतलब कैलकुलस के पार्ट है सारे और डिफ्रेंसीशन मैंने ज़रा भी नहीं पढ़ा उसमें बट हो सकता है कि जहाँ पे आप एनालिसिस करते हो किसी चीज़ का तो जैसे मास्टर्स में या फिर एम में ये सब सब्जेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि वो थोड़ी स्टडी डाइवर्स होती है और उसमें सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं तो मे बी मास्टर्स और एम में आपको पढ़ाया जाए और मे बी नहीं मेरे को चांसेस पूरे पूरे हैं कि होता है उस उसमें मैथमेटिक्स आई एम ऑल्सो वर्किंग समवेयर मैं बताता हूँ अगर उसमें मेरी पी हो जाती है तो अगर उसमें मेरा पी का काम हो जाता है तो मैं बता दूँगा पर अभी थोड़ा इसको साइड करके चलते हैं पर मैं नो no worries हाउ इज़ वन ईयर और मैंने किसी वकील को पैसे वैसे नहीं दिए कहीं ये सोचो कि इसने पैसे दे के वो काम कराया हुआ नहीं और इससे रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कई लोगों के जो होते हैं वकीलों ने पैसे तो ले ली होते हैं बट रिप्लाई नहीं करते वो काफ़ी का दिनों के बाद जैसे जो कोई फ्रॉड करना होता है किसी ने तो वो आपके पैसे खा लेगा या फिर वो कहेगा कि चलो हाँ मैं आपको हेल्प कर दूंगा बट कुछ टाइम बाद वो आपके मैसेजेस का जवाब देना बंद कर देते हैं मैंने कम्युनिटी uh, टैब में पोस्ट भी डाला था कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया और थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम uh, पर एक और पोस्ट आई थी जिसमें तीन या चार लोग थे जो इस फ्रॉड से जुड़े हुए थे दूसरे फ्रॉड से और उन्होंने भी काफ़ी लोगों के चार चार हज़ार डॉलर पाँच पाँच हज़ार डॉलर खाए थे तो इट्स नॉट गुड तो थोड़ा बच के चलना है यहाँ पे हाउ इज़ वन ईयर कोर्स फ्रॉम हम्बर सप्लाई चैन हम्बर का बहुत बढ़िया भाई और मैं मेरा हमबर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हम्बर इज़ अ वेरी गुड कॉलेज बट थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है इन विच प्रोविंस डू यू लिव आई एम इन ओंटारियो आई एम लिविंग इन ओंटारियो आई थॉट ऑफ मूविंग लाइक कि चलो चलते हैं यार यहाँ पे अगर कुछ नहीं बना तो मैं या तो विनी पैग या फिर नोबास कोश सोच रहा था बट बस मैंने सोचा ही था पर मैं मूव नहीं किया मेरा रिस्क यहीं लेते हैं नो ब्राम नॉट इन Toronto हाँ पर टोरोंटो उतना दूर भी नहीं है पंद्रह बीस मिनट बीस मिनट कह रहा हूँ आधा घंटा लगता है अगर आप बस में भी जाते हो वुड इट बी एजियर फॉर स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट इफ दे गो फॉर पी जी डी वन ईयर फ्राम प्रोविंस लाइक प्रविन्स एडवर्ड और न्यू ब्रंसविक यार हाँ बस मेन चीज़ तो डिपेंड करती है जॉब पर अगर आपको जॉब सही टाइम पर मिल जाए ना तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है आपको टाइम मिल जाता है पूरा अपना वो एक साल कंप्लीट करने के लिए जो आप अगर आप एक साल का कोर्स लेके आते हो और एक साल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो वो टाइम पूरा मिल जाता है आपको हाई ब्रदर हाई अनुभव I I have three years experience in operations executive and got Now I wanna study post graduation आई हैव थ्री ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एक्टिव एंड इन आयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भागतीट Should you go for it or not? It depends on you. कि अगर आपका interest है तो जाओ अगर interest नहीं है तो आपको subjects boring भी लगने लग सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ बिना interest के boring ही हो जाती है और मैं मजाक नहीं कर रहा Supply chain में हैं ऐसे subjects एक दो और uh, जो आप कहोगे कि यार आ, बस जल्दी ख़त्म हो स मिस्टर सॉरी 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 बट हाँ अगर किसी का इंटरेस्ट है तो ज़रूर जाओ अब लास्ट चैट में लास्ट चैट कर रहा हूँ लास्ट लाइव में मैंने बताया था कि मेरे को दो या तीन लोगों के मैसेजेस आए हैं कि सप्लाई चेन उन्हें टफ लग रहा है uh, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे तो मैंने उनको ये बताया था कि या तो कंप्लीट कर लो या अगर पहले सेमेस्टर में हो तो चेंज कर सकते हो चेंज कर लो वन ईयर डिप्लोमा इन सप्लाई चेन और टू टू ईयर बेटर यार इस इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई वी है कि वन ईयर वर्सेस टू ईयर टू ईयर का मतलब मेन तो लोगों को इसीलिए होता है कि तीन साल का परमिट मिल जाएगा बट uh, अगर आपके पास ऑलरेडी तीन चार साल का एक्सपीरियंस है तो तीन साल का एक्सपीरियंस तो मैक्सिमम काउंट होता है यहाँ पे पी के पॉइंट्स में और यहाँ पे अगर आप सही टाइम पे जॉब ले लेते हो और एक साल का अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे उसी लेवल में नॉक बी में कंप्लीट कर लेते हो या ए या फिर ओ में तो आपके लिए भी अच्छा है फिर वो एक साल का भी तो ऐसा नहीं है कि एक साल के बेनिफिट नहीं है और मैंने मैंने खुद रिस्क लिया हुआ है तो देखते हैं ये रिस्क मुझे कहाँ तक लेके जाता है कि अगर मेरी हेल्प होती है पीआर में कि नहीं और बाकी अभी ऐसा नहीं है कि अगर पीआर नहीं होती तो कुछ नहीं होगा इंडिया चले जाएंगे वापस इंडिया से ही आए इंडिया वापस चले जाएंगे इसमें ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कई लोग ये सोच के डिप्रेशन में आ जाते हैं और अभी परसों किसी ने परसों या दो तीन दिन पहले किसी ने सुसाइड भी कर लिया कि उनकी उनको अपने पता नहीं ऐसा ही कोई रीज़न था उनका वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे तो वो ट्रेन के आगे वो जंप करके दैट वॉज रियली बैड ओह हो एक मिनट चैट भाग गई हैव यू डन अंडर ग्रेड फ्राम इंडिया यस आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम महाराजागर से इन आई पी यूनिवर्सिटी इज हम्बर ऑफरिंग पी जी डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर टू ईर्स विद कोप नॉर्थ कैंपस में तो नहीं था जब मैंने अप्लाई किया था कोब uh, शायद चार साल वाले में जैसे बैचलर्स होगी शायद चार साल वाले हम्बर वाले में कोप uh, है उसमें बाकी नए सेंटर का जो आईजीएस को जो है वो आईजीएस का मुझे नहीं आइडिया यू वेंट देयर फॉर वन ईयर कोर्स ओनली सो आर यू डूइंग एनी अदर प्रोग्राम और पी जी डब्ल्यू पी मैं पी जी डब्ल्यू पी पे चल रहा हूँ अभी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट सो रिस्क पूरा लिया हुआ है कोई रिस्क लेने में कोई घबराते नहीं है देसी लोग अपने आप पता ही है सारे <laughs> ओके 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 संदीप योर क्वेश्चन इज़ नॉट हियर एक मिनट में देखता हूँ नीचे यू कैन पोस्ट अगेन मैं दोबारा देखता हूँ नीचे फटाफट सर इन डिग्री कोर्स टिल विच हियर वी स्टडी द कोर्सेज विच वी हैव इन क्लासेज एंड ट्वेल्थ इट डिपेंड्स फ्रॉम सेमेस्टर टू सेमेस्टर कई कई यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया या कई कॉलेज का क्राइटेरिया होता हो कि आपको पहले सेमेस्टर में ही उन्हीं उन सब्जेक्ट से वो क्या कहते हैं ब्रीफ करा देते होंगे या फिर कई एंड में लाइक like, जैसे फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है बट हाँ होता है कि आप जैसे मान लो आपने एलेवंथ ट्वेल्थ में केमिस्ट्री पढ़ी है और आप आगे केमिस्ट्री का ही कुछ कर रहे हो तो वो चीज़ें आप दोबारा अपने उसमें सब्जेक्ट्स में, में देखोगे वो दोबारा लर्न करोगे एक विंडसर में काम मिल जाता है ब्रो या विंडसर में काम मिल जाता है विंडसर में तो यार इतने लोग हैं अपने देसी इतने यूनिवर्सिटी भी है ना यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर तो इट्स ए फाइन यूनिवर्सिटी तो काम मिलने में कोई ऐसा इशू नहीं होता बस हाँ ठंड में थोड़ा होता है कि वो पूरे ऑल ओवर कैनेडा में यही दिक्कत है कि ठंड में जॉब्स कम हो जाती हैं काफ़ी सारे वेयर हाउसेज भी बंद हो जाते हैं फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं जस्ट अ मोमेंट कैन वी हायर लॉयर टू गेट जॉइन पी आई हायर कर सकते हो लॉयर बट देख के करना क्योंकि आ, हर कोई बंदा अच्छा नहीं होता हर कोई लॉयर जैसे आपको सपोर्ट कर देंगे कई लोग बट स्टार्टिंग में ही बाद में फिर अगर खराब हो गए तो आपके पैसे भी खराब हो जाएंगे वहाँ पे तो देख के करना जो भी ऐसा नहीं कि अगर आपने आपके किसी अगर फ्रेंड वगैरह ने किया हो या फिर आप प्रॉपर अपनी रिसर्च करके करोगे तो आप बच भी सकते हो बट ध्यान से करना आई एम डूंग पी जी पी आई एस सी एम फ्राम यू पी एस देहरादून यू पी एस अच्छा देहरादून वाला यार मुझे वहाँ का स्कोप तो नहीं पता यहाँ से थोड़ा बहुत जो रिसर्च हमने कर रखी है ऑलरेडी उसी के बारे में बता सकता हूँ थ्री ईयर्स पी जी डिप्लोमा यार थ्री ईयर्स का पी जी डिप्लोमा मैंने देखा तो नहीं आज तक यहाँ पर थ्री पी जी डिप्लोमा कोई ऑफर करता हो हाँ थ्री ईयर्स का एडवांस डिप्लोमा हो सकता है जो आप ट्वेल्थ की बात करते हो वीडियो मैंने उस पर बना रखी है अब देख लेना कि तीनों में फ़र्क क्या होता है बड़ा और प्लान्स रिगार्डिंग पीआर हाँ देखते हैं यार एक साल का एक्सपीरियंस मेरे को कंप्लीट होने दो फिर देखते हैं अप्लाई करके अभी तो आइल्स का भी अप्लाई करना है WES इवैल्यूएशन कराना है क्योंकि वो पीआर के लिए जरूरी होता है कनाडा वर्सेस फ्रांस कनाडा वर्सेस फ्रांस यार जनरली मुझे आईडिया नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ तो यार यूरोप की बढ़िया है यहां पे क्या है आठ महीने तो ठंड रहती है तो ज़्यादा बाहर कहीं जा नहीं सकते फ्रांस में भी ठंड बहुत होती है बट यहाँ से ज़्यादा नहीं होती लेकिन मैं कनाडा वर्सेस यूके की बना सकता हूँ लंदन की क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे वो मेरे से कह रहा था कि लेट्स हेल्प द स्टूडेंट्स फ्रॉम यूके के एज वेल सो हम कंपैरिजन वीडियो बना सकते हैं अगर किसी को अगर यूके जाना हो तो वुडेंट इट बी रिस्की इफ यू डोंट land वन या yeah, वो वो तो रिस्क हमेशा रहती है जैसे मैंने मैं आपको जब वही बता रहा था कि मैंने भी रिस्क लिया हुआ है बट हाँ आ, मैं जॉब पर तो हूँ बट देखते हैं वो वाली जॉब मेरे को आप दिलाती है कि नहीं हाँ रिस्क तो होता ही है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो वहाँ पर फिर इशू आता है कि आप एक्सपीरियंस कैसे कम्प्लीट करोगे पर अब सीन क्या है गवर्नमेंट ने यहाँ पर कह दिया आप एक साल का परमिट एक्सटेंड एक से एक साल से मतलब टोटल अठारह महीने से तक एक्सटेंड करा सकते हो तो, 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 तो अगर मैं उसके लिए शायद एलिजिबल हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ तो मैं अप्लाई भी कर दूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस शायद काउंट हो जाए बट कॉलेज अदर देन लैमटन हैज़ टू ईयर सप्लाई चेन लैमटन के अलावा यार मैंने वीडियो बनाई थी इस पर मैं खुद ही भूल गया लगता है नॉर्दर्न कॉलेज है कैनाडा और नहीं यार उसमें टू ईयर वाली वीडियो देख लेना मैं भूल गया यार लैमटन था नॉर्दर्न था मे बी लंगारा था शायद इज़ इट वर्ड टू डू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ऊपर भी क्वेश्चन आया था हाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ गुड कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कई लोग कहते हैं बहुत आसान है इट्स नॉट दैट ईजी कोई भी सब्जेक्ट जैसे सप्लाई चेन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उतने आसान नहीं होते थोड़ी बहुत मेहनत डेली करनी पड़ती है आपको नायगरा कॉलेज ऑन लेक कैम्पस इसका आइडिया नहीं मुझे सॉरी जॉब तो मिल जाती है नायगरा में नायगरा में यार इतने लोग हैं अपने नायगरा में जो आस पास के एरिए जैसे सेंट कैथरीन हो गया वहाँ पर बहुत लोग हैं अपने सारे काम कर ही रहे हैं तो नाइका में जॉब का इशू नहीं है कैन यू सजेस्ट मी इट इज इट गुड टू गो वन ईयर कोर्स एंड आई है आप सी आर एस स्कोर अपना कैलकुलेट करके देख लो उस पर सी आई सी कैनेडा पे और हो सकता है आपके पॉइंट्स बन जाए क्योंकि जैसे आपकी सिचुएशन है वैसे ही मेरी थी बट आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको मेरे से ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे थोड़े क्योंकि मेरे को एक डेढ़ साल का ही था तो मेरा एक साल काउंट होगा एक्सपीरियंस में आपको चार साल का है तो आपके तीन काउंट होंगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है कलनरी कलनरी कोर्स कैसा है आफ्टर बी ए का तो अच्छा है हंबर के मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं प्रोजेक्ट वगैरह में जाते हुए जैसे इवेंट्स होते हैं ना तो कलनरी वाले ही जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने अपने जो डिफरेंट तरीके के क्वीन्स लेके आते हैं वो तो हमबर काफ़ी इवेंट्स करवाता है बाकी बाकी किसी कॉलेज का नहीं मुझे पता क्योंकि हम्बर में तो मैं था तो मैं देखता था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी आंसर किया मैंने यस इट इज ए गुड कोर्स आफ्टर सप्लाई चेन वन ईयर विच सजेस्ट आपने मैं ये मैंने फिर से लास्ट उसमें भी कहा था लाइव में जो कोर्स आपको इंटरेस्टिंग लगे मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो लेना बट मैं फिर भी आपको कुछ बता देता जैसे एनालिसिस हो गया प्रोजेक्ट uh, मैनेजमेंट हो गया क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया ये सब आप एस सी एम के बाद कर सकते हो ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया आई बी एम हो गया डिजिटल मार्केटिंग हो गया तो ये सब आप कर सकते हो जल्दी करते हैं बस पाँच मिनट बाद चलते हैं क्योंकि आज मेरे को थोड़ा काम है यार घर पे आज छुट्टी है मेरी तो, तो मैं फिर दोबारा कर लेंगे लाइव बट आज के लिए बस पाँच मिनट और ओके okay? मैथ्स है इसमें किसमें भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हाँ होती है मैथ भाई थोड़ी बहुत तो यूनिट आइल्स टू नीड आइल्स अगेन टू अप्लाई फॉर पीआर यस आयल्स जनरल देना पड़ता है आपको जब आप स्टूडेंट आते हो तो आप अकेडमिक दे के आते हो वैसे जनरल देना पड़ता है आपको पर यस yes, देना जरूर पड़ता है इज़ इट ट्रू दैट कंपनी आज फॉर एटलीस्ट टू ईर एक्सपीरियंस इन यार वो तो फिर जॉब डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पर कि उनको किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए अपनी जॉब के लिए ज़रूरी नहीं है भाई जैसे अगर आपकी अच्छी नेटवर्किंग है तो हमबर से कई लोगों ने तो एक साल के एक्सपीरियंस पर भी जॉब ली है देवाला की लॉकडाउन का कोई रिस्क है कनाडा में आगे और जैन इन ऑफलाइन हो गया या जैन इन अभी मुझे उसका आइडिया नहीं मैंने चेक नहीं किया रिसेंटली बट जिस तरीके से हालात चल रहे हैं अभी कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं दोबारा थर्ड वेव शुरू हो गई है तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको अभी अभी कुछ कह तो नहीं सकते कि अगर आगे केसेस कम हो गए तो ऑफ़लाइन हो सकता है बट अभी आप मुझे आइडिया नहीं है तो उसके लिए सॉरी अभी पता नहीं हमबर्ग का आई जी आई जी एस कैम्पस कैसा है आई जी एस कैंपस इज़ अ न्यू वन सो ज़्यादा आइडिया नहीं है बट डाउन टाउन लोकेशन में है तो चीज़ें एक्सेसिबल एक्सेसिबिलिटी अच्छी है रोड्स अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पर ट्रैवल करने में और आस पास की लोकेशन भी आपको हम खुश हो जाओगे देख के कि डाउन टाउन इट्स वेरी ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक ईयर कोर्स करने से पहले स्टडी मटेरियल कैसे मिल सकता है ताकि पीएचडी पहले ही पढ़ के आ सकूँ अच्छे ऑनलाइन गूगल पे बहुत मटेरियल है यार वन ईयर और इज टू ईयर क्वेश्चन इज़ नॉट क्लियर दोबारा एक बार लिख सकते हो तो लिख दो सर बीबीए सप्लाई चेन मैं पढ़ रहा हूँ कनाडा पे कितना सैलरी मिलेगा भाई कनाडा पहले यार आ तो जाओ वो बाद में देखना क्योंकि कोर्स करना पड़ेगा आपको यहाँ पे पहले भी तो वो भी तो बहुत टाइम है उस चीज़ के लिए चैट भागी एक मिनट आई हैव बैकग्राउंड ऑफ आई बी एम गोइंग टू डू सप्लाई चेन एट हम्बर विच एरिया ऑफ सप्लाई चेन राइट नाउ सबसे ज़्यादा यार जो जॉब्स हैं वेयर हाउस में अभी तो और जैसे मैं लास्ट में शायद बताया होगा मैंने आपको मेरा फ्रेंड जैसे फेड एक्स में अभी वो ऑपरेशन मैनेजर बन गया सुपरवाइजर लेवल पर आ गया मतलब वो

लास्ट सेमिस्टर में शायद मतलब एमबीए मैंने की तो नहीं बट मे बी आप लास्ट uh, सेमिस्टर या फिर सेकेंड लास्ट में स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो फिर आपको उस पर डिपेंड करता है दुरहम कॉलेज इज़ गुड कॉलेज इट्स इन हॉशवा आई गेस हाँ अच्छा है कॉलेज वो फिल्म प्रोडक्शन वालों के लिए बहुत अच्छा है वो कॉलेज कैलगरी गुड फॉर सप्लाई चेन यस कैलगरी इज अ वेरी बूमिंग सिटी एंड इट्स अ गुड वन Uh, अभी अप्लाई करना सही है कि नहीं uh, अभी जनवरी ट्वेंटी टू का तो पर तो अभी अप्लाई मत करो वहाँ पे अभी कोई खुला भी नहीं होगा तो थोड़ा वेट कर लो उसके बाद देखना हाउ मच मैथमेटिकल मॉडलिंग इन्वॉल्व सब्जेक्ट्स एट कॉलेज लेवल आई डिड नॉट नोटिस एनी मॉडलिंग बट डिड स्टडी यस एम एस एक्सएल एंड पावर पॉइंट फॉर प्रेजेंटेश यहाँ पर प्रेजेंटेश बहुत होते हैं प्रेजेंटेश और क्विज हमने बहुत करी हैं और केस स्टडी के स्टडीज आर रेली हार्ड कभी कभी वेयर हाउस जॉब के लिए क्या कहेंगे अगर आप डायरेक्ट इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप किसी कंसल्टेंट से पूछ लो मेरे को उसका आइडिया नहीं है पर, पर पैसे बहुत लगते हैं बहुत पैसा मांगते हैं वो यार कंप्यूटर्स का तो रहता ही है सप्लाई चेन से ज़्यादा ही होगा आई टी का तो यहाँ पर क्योंकि तो आई इंडस्ट्री भी यहाँ की कैनेडा की बढ़ रही है और सैलरी भी बहुत अच्छी है क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इन कैनेडा क्वालिटी क्वालिटी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउसेज में और फैक्ट्री यहाँ बहुत हैं तो जो प्रोडक्शन होती है उनकी क्वालिटी के लिए उनको लोग चाहिए होते हैं तो वो भी आप कर सकते हो मास्टर्स एस के बारे में ओपिनियन इट्स अ गुड चॉइस मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पर आप देख लेना बहुत सारी है उसमें मैंने बनाई हुई कि पहले मैंने मास्टर्स और एमबीए की यूनिवर्सिटीज बताई थी फिर दोनों का कंपैरिजन भी बताया था फिर पी वर्सेस मास्टर्स और एमबीए बताया था गुड चॉइस द लॉस मैन इट्स अ गुड चॉइस क्वालिटी प्लस एस सी एम क्वालिटी प्लस सॉरी एस सी एम प्लस डेट एनालिसिस वेरी गुड ये सब भी अच्छे हैं आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ बी बी एस सी एम सो आफ्टर थ्री इयर्स डू इज देर एनी जॉब फॉर मी थ्री ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग स्पैन अभी तो वेट करो पहले कोर्स कम्प्लीट करो चलो बस दो मिनट और ट्वेंटी फाइव मिनट से भी ऊपर हो गए दो मिनट और करते हैं फिर उसके बाद चलता हूँ मैं दोबारा करेंगे फिर मैं एम के बारे में भी वीडियोज़ बना दूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सीएस में जा सकते हैं बिल्कुल भाई बिल्कुल जा सकते हो बट वीज़ा में प्रॉब्लम ना आए वीजा के लिए आपको बताना पड़ेगा ना कि आपका कोर्स कैसे रिलेट करता है आपके प्रीवियस कोर्स से या फिर आपके फ्यूचर से कि आप क्या करोगे उसके अंदर आई हैव वीज़ा प्रॉब्लम होगी अगर सारी बैकलॉग्स क्लियर हैं तो नहीं होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू सी एस पी जी डी एम पॉसिबल या पॉसिबल तो है अब मान लो आपने आपके कॉलेज ने आपको एडमिशन दे दिया बट अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो क्या करोगे तो एस ओ पी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीज़ा एक मिनट चैट देख लेने रहा और हाउ इज़ हाउ गुड इज़ गो फॉर गर्ल्स इन एस सी एम मैंने वीडियो बनाई है मेरी एक फ्रेंड ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो देख लेना पूरा मतलब मैंने थर्टीन या फोर्टीन मिनट्स की वीडियो शायद ज़्यादा ही होगी वो पूरा एक्सपीरियंस उसने अपना शेयर किया तो वो देख लेना एक बार ओके okay? सारनिया भी वर्क है सारनिया यार लैमटन का मेन कैंपस तो वही है तो पर हाँ वहाँ पे थोड़ी सी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहाँ पे जॉब्स थोड़ी कम है पार्ट टाइम में बड़ा आते ही ढूंढना शुरू कर दोगे तो उतना इश्यू नहीं आएगा मैंने आ, वीडियो बनाई है कि जॉब्स पार्ट टाइम कैसे ढूंढनी है आपको वो भी देख लेना इज नॉलेज ऑफ एस ए या अगर आपको एस आता है तो इट्स अ वेरी यू नो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस और बहुत सी जॉब्स में ये डिमांड भी होती है कि प्रायर एक्सपीरियंस अगर आपका एसएपी में है तो हो जाएगा मेक दी सेशंस एवरी वीकेंड यार वीकेंड पे मेरा वर्क होता है तो वीकेंड पे तो नहीं मतलब थर्सडे फ्राइडे में कर सकता हूं अभी तो तो अगर आप थर्सडे फ्राइडे अवेलेबल हो तो गुड टू गो थर्सडे फ्राइडे कर सकते हैं हम सेशन एक डेली लेट्स फिक्स अ टाइम एंड टाइम बट डे एंड टाइम या श्योर मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाल देता हूं पहले आने से पहले तो चलो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम इट रियली ग्रेट विद यू एंड मैं आपको दोबारा मिलता हूँ जो क्वेश्चन अभी बच गए हैं वो नेक्स्ट में आंसर करता हूँ नेक्स्ट थर्सडे या फिर अगर उससे पहले टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा सैटरडे या संडे पे ठीक है तो मिलते हैं फिर आपसे बाय बाय सब ध्यान रखना टेक केयर टेक केयर धन्यवाद ये जो मैसेज रह गए अब ये मत सोचना कि मैंने आंसर नहीं क्योंकि क्योंकि बहुत सारी चैट एकदम से स्वाइप अप हो जाती है तो मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके जो है वो रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूँगा और ये जो वीडियो होगी ये आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी इसकी थैंक यू मालविका थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग बस जाने से पहले वीडियो को लाइक मार देना चैनल को हेल्प मिलती है और मिलता हूँ मैं आपसे फिर बाय बाय